हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेसांग स्टारडस में। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर अमरेश सिंघाल का। व्यूअर, अमरेश सिंघाल ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था और 1969 में रिलीज होने वाली मूवी आया सावन झूम के इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इसके अलावा 1970 की मूवी आन मिलो सजना, इस फिल्म को में भी एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम किया। और साथ ही साथ 1972 की मूवी रास्ते का पत्थर, इस फिल्म में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अमरेश सिंघाल शामिल थे। और साथ ही साथ 1974 की मूवी अमीर गरीब, इस फिल्म में भी चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर वो नज़र आए थे। 1979 से उन्होंने एज अ डायरेक्टर अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया और उनकी डेब्यू मूवी थी एज अ डायरेक्टर आतिश। और लगभग 12 मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं, जिनकी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश भी आप व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलें फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, एज अ डायरेक्टर अमरेश सिंघाल की डेब्यू मूवी थी आतिश। इस फिल्म की लीड कास्ट में जितेंद्र, नीतू सिंह, मदन पुरी, ओम शिव पुरी शामिल थे। और ये फिल्म 23 फरवरी 1979 को रिलीज हुई और ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे आईएमडीबी 10 में से 4.5 स्टार दिए गए थे। और बॉक्स ऑफिस पर अमरेश सिंघाल की डेब्यू मूवी आतिश एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई। अमरेश सिंघाल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आप तो ऐसे न थे। फिल्म की लीड कास्ट में राज बब्बर, रंजीता कौर और दीपक प्रसार और मदन पुरी शामिल थे। और ये फिल्म 5 दिसंबर 1980 को रिलीज़ हुई और ये एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा मूवी थी, जिसे आईएमडीबी 10 में से 5.6 स्टार दिए गए थे। और बॉक्स ऑफिस पर ये एक एवरेज मूवी का स्टेटस हासिल कर पाई। अमरेश सिंघाल की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी दर्द। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लों और ओम शिवपुरी शामिल थे। और ये फिल्म 14 अगस्त 1981 को रिलीज़ हुई और ये एक फैमिली क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे आईएमडीबी 10 में से 7.1 स्टार दिए गए। और बॉक्स ऑफिस पर दर्द भी एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। और फिर अमरेश सिंघाल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आदत से मजबूर। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, रमेश्वरी और नीना गुप्ता शामिल थे। और ये फिल्म 2 जुलाई 1982 को रिलीज़ हुई। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे आईएमडीबी 10 में से 5.5 स्टार दिए गए थे। और बॉक्स ऑफिस पर आदत से मजबूर एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। अमरेश सिंघाल और जग मुंद्रा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी सुराग। फिल्म की लीड कास्ट में संजीव कुमार, शबाना आजमी और परीक्षांत साहिनी शामिल थे। और ये फिल्म 18 मार्च 1982 को रिलीज़ हुई और ये एक मिस्ट्री थ्रिल मूवी थी, जिसे आईएमडीबी 10 में से 7.3 स्टार दिए गए थे। ये एक लो बजट मूवी थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई। अमरेश सिंघाल और एहतिशाम की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी गहरी चोट। ये फिल्म पहले दुर्देश के नाम से बनाई जा रही थी। फिल्म लेट होने की वजह से फिल्म का नाम चेंज करके गहरी चोट रखा गया। फिल्म की लीड कास्ट में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, राज बब्बर, परवीन बॉबी शामिल थे। और इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर नदीम बेग ने भी काम किया था। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1983 को और ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे आईएमडीबी 10 में से 6.2 स्टार दिए गए थे। बॉक्स ऑफिस पर गहरी चोट एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई। अमरेश सिंघाल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी वांटेड, डेड और अलाइव। फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, टीना मुनीम, शमी कपूर, कृष्ण धवन शामिल थे। और ये फिल्म 6 जनवरी 1984 को रिलीज़ हुई। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी, जिसे आईएमडीबी 10 में से 6.5 स्टार दिए गए। और बॉक्स ऑफिस पर वांटेड, डेड और अलाइव एक हिट फिल्म करार दी गई और ये भी एक लो बजट मूवी थी। अमरेश सिंघाल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बेगाना। फिल्म की लीड कास्ट में कुमार गौरव, धर्मेंद्र, रति अग्निहोत्री, दीप्ति नवाल और राज किरण शामिल थे। और ये फिल्म 18 जुलाई 1986 को रिलीज़ हुई और ये एक ड्रामा मूवी थी, जिसे आईएमडीबी 10 में से 7.4 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 90 लाख और फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 65 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड कलेक्शन थे 3 करोड़ 28 लाख और बॉक्स ऑफिस पर बेगाना एक फ्लॉप फिल्म करा दी गई। और फ्रेंड, अमरेश सिंघाल की डायरेक्शन में बनने वाली नेक्स्ट मूवी हम सब चोर हैं। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जितेंद्र, कमल सदाना, रेति शिवपुरी शामिल थे। और ये फिल्म 27 अक्टूबर 1995 को रिलीज़ हुई और ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, जिसे आईएमडीबी 10 में से जस्ट 3.6 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 75 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 67 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 2 करोड़ 85 लाख और बॉक्स ऑफिस पर हम सब चोर हैं एक फ्लॉप फिल्म करार दी गई।
अमरेश सिंघल की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी है चुप। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी खुद अमरेश सिंघल थे। फिल्म की लीड कास्ट में जितेंद्र, सोमी अली, अविनाश वधावन, ओम पुरी शामिल थे और यह फिल्म 14 फरवरी 1997 को रिलीज हुई और ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से जस्ट 4.4 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में जस्ट 29 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 53 लाख और बॉक्स ऑफिस पर चुप एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। अमरेश सिंघल के डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी फूल बने पत्थर। फिल्म की लीड कास्ट में मोहनेश बहल, अविनाश वधावन, राकेश बेदी और इंद्रानी बनर्जी शामिल थे और यह फिल्म 1998 को रिलीज हुई और ये एक एक्शन रोमांटिक मूवी थी। फिल्म का बजट था 45 लाख और इस फिल्म ने इंडिया में जस्ट 9 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 16 लाख और बॉक्स ऑफिस पर फूल बने पत्थर ये एक डिजास्टर मूवी करार दी गई। और फिर अमरेश सिंघल की डायरेक्शन में बनी नेक्स्ट मूवी थी शेर खान। फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जया प्रदा, रीता बहादुरी, मोहन जोशी, किरण कुमार और सदाशिव अमरपालकर शामिल थे और ये फिल्म 25 सितंबर 1998 को रिलीज हुई। ये एक फुल एक्शन मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6 स्टार दिए गए। फिल्म का बजट था 1 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में 52 लाख के कलेक्शन किए। फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 90 लाख और बॉक्स ऑफिस पर शेर खान भी एक डिजास्टर मूवी करार दी गई और यही एज अ डायरेक्टर अमरेश सिंघल की करियर की आखिरी मूवी भी साबित हुई है। और फ्रेंड इसके अलावा 1999 में रिलीज होने वाली मूवी बेनाम जिसे डायरेक्ट किया था TLV प्रसाद ने, मिथुन चक्रवर्ती और आदित्य पंचोली स्टारर इस फिल्म में, अमरेश सिंघल ने एज एन एक्टर भी काम किया है। और फ्रेंड एज अ डायरेक्टर अमरेश सिंघल के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो निकाले तो उन्होंने एज अ डायरेक्टर 12 मूवीज को डायरेक्ट किया है जिनमें से उनकी 2 मूवीज हिट और 1 मूवी एवरेज रही है। इसके अलावा उनकी 6 मूवीज फ्लॉप और 3 डिजास्टर रही हैं। तो इस हिसाब से अमरेश सिंघल के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है जस्ट 25%। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एज अ डायरेक्टर अमरेश सिंघल का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज किया। एज अ डायरेक्टर अमरेश सिंघल की रिलीज होने वाली इन तमाम मूवीज़ में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज़ है, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।